हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो जी यहाँ पे लगा हुआ है मेरा आज थोड़ा सा क्लीनिंग का काम। तो मैंने कहा चलो ये वाला जो मेरी जो ये अलमारी है तो इसे मैं यहाँ नीचे वाला जो इसका है इसमें साफ़ कर देती हूँ, नीचे वाला कवर जो है ये इसका, बाकी तो नहीं कर पाऊँगी लेकिन आज इसको सेट कर देती हूँ क्योंकि आलतू फालतू कपड़े जो रखे हुए हैं उनको लग कर देती हूँ। और यहाँ पे रात को जैसे हल्के फुल्के कंबल हैं या चादर वगैरह कुछ हैं वो इसके अंदर रखे हैं तो उनको भी मैं निकाल के यहीं पर ना अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर देती हूँ। तो आज मैंने जो अपने जो पंखे हैं घर वाले, तो अंदर वाले कमरे का और बाहर वाले कमरे का दोनों पंखे मैंने साफ़ कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। वो मैं शेयर नहीं कर पाई, वो बाद में मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो बहुत ही ज़्यादा फंगस थी उनके ऊपर लग गई थी, बिल्कुल काली काली थी, तो मुझे बहुत मतलब वो गंदे से लग रहे थे। तो यहाँ से मैं कपड़े उठा लेती हूँ पहले जो कपड़े मतलब धुलने वाले हैं वो, क्योंकि कपड़े आज तो धुलेंगे नहीं कल धुलेंगे, तो मैं उन कपड़ों को ना ऊपर ले जाऊँगी। आधे के कपड़े साफ़ हैं, बस कुछ देर के लिए पहन के गया था। और यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ जो आदि के मतलब यूज़ में कपड़े नहीं आते ना, वो अंदर से बेड में रख दूँगी फिर मैं उठा के, क्योंकि अलमारियों के अंदर इतनी जगह बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है कि इनके कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, ड्रेस इतनी सारी हो जाए, स्पोर्ट्स की हैं और डे वाइज ड्रेस लगती हैं बच्चों की, फिर वो हो जाती हैं। तो मैं यहाँ से बस ऐसे ही सेट करने लगी हूँ। तो ये देखिए आदि की ड्रेस थी, ये भी एक वाइट ये मैंने रख दी है और यहाँ इसके अंदर पैक करके। तो कुछ कपड़े बेड में रखती हूँ, जैसे मैं बेड में कपड़े रखती नहीं थी कभी, लेकिन अभी इतने सारे कपड़ों का वो हो गया है ना, और जब तक शिफ्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये कपड़े ऐसे ही रहेंगे। जब कभी शिफ्ट होंगे तो सबका अलग अलग वहाँ पे कर दूँगी, अपने अपने आप सेट करेंगे। तो ये देखिए ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इस बेड को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देती हूँ, फिर ना मुझे अजीब सा लगता है अगर अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होना तो अजीब लगता है। और यहाँ पे ना आज ये वाली बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, धुलेगी तो कल लेकिन हाँ मैं चेंज कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी क्योंकि पंखा साफ किया ना तो ऊपर से धूल मिट्टी सी आ गई थी। और ये जो बेडशीट मैं अभी निकाल रही हूँ ये मैं आज फर्स्ट बार ही इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसको मेरे पास आए हुए मतलब अभी मैं बताऊँ आपको साल हो जाएगा, क्योंकि मैं छोटे भाई की शादी में घर पे गई थी तो जब मेरी भाभी ने मुझे दी थी ये, ठीक है ना, तो ये बहुत सुंदर बेडशीट थी उसके पास थी। तो फिर मैंने बोला मैंने कहा बहुत प्यारी बेडशीट लग रही है, तो फिर उसने मेरे लिए मंगाई थी एक, और जब से मैंने ये अभी तक भी नहीं यहाँ पे मतलब यूज़ की है। और आज मेरा मन किया, मैंने कहा गर्मियाँ भी हैं और ये मतलब गर्मियों के हिसाब से बहुत ही अच्छी बेडशीट है, तो फिर मैं इसको ना डाल लेती हूँ। मुझे पता नहीं था इसके अंदर शायद मैंने कहा ये पिलो कवर भी निकलेंगे, तो इसके अंदर कवर मिल गए मेरे को, तो मुझे फिर और भी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो साथ के मैचिंग के कवर हो जाएंगे, तो ये इसको डाल देती हूँ। इसका सीधा उल्टे का मैं देख रही हूँ कहाँ से है, कलर भी बहुत ही सुंदर है, डबल शेडेड है ये देखिए। तो मैं इसको ना पहले सेट कर देती हूँ, और बहुत सुंदर लगी मुझे ये बेडशीट क्योंकि पिंक कलर की अभी फ़िलहाल नहीं थी कोई भी बेडशीट। तो ये मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ, इसके जो कवर हैं वो भी मैं चेंज कर देती हूँ और इनको यहाँ पे लगा के छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद भी देखो बहुत सारा काम है, आज मैं लगी गई थी इस काम के लिए, मैंने कहा चलो कर लेते हैं क्योंकि कल फिर कपड़े धुलने हैं तो वैसे भी और ज़्यादा काम फैल जाता है। और आदि स्कूल जा चुका था, मानी घर पे ही थी, मानी बाहर पढ़ रही थी बैठ के, मैं अपने काम पे लगी थी। मैंने कहा चलो तो अपना ये सब काम हम कर लेते हैं। तो ये देखिए कवर भी मैंने इसके ना डाल दिए हैं, और इसको डाल के इसको भी जगह पे सेट कर देती हूँ। और उसके बाद बर्तन भी हैं, किचन का भी है, झाड़ू वगैरह भी है, तो देखिए अकेले ही करना पड़ता है। और मैं बताऊँ मेरी जो छोटे ये देखिए मैंने डाल दिया, कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है, मुझे बहुत प्यारी लगी। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे भी डस्टिंग का जो काम है वो कर रही हूँ। मैं बताऊँ मेरी जो छोटे वाली सिस्टर है ना, तो उनके यहाँ पे क्या है कि उनके यहाँ पे खाना बनाने वाली अलग आती है, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है उनका कॉलेज वगैरह है तो उसको टाइम नहीं मिलता, वो भी पढ़ाई करती रहती है अपनी, और इसीलिए तो फिर ना वहाँ खाना बनाने वाली अलग है, और मतलब जो झाड़ू पोछे वाली बाई अलग लगी हुई है, मतलब सब काम के लिए अलग। तो मेरी बहन जैसे मैं बीमार भी रहती हूँ तो मेरी बहन मुझे बोलती है कि भाई तुम भी अपना मतलब कोई लगा लो मतलब हाउस हेल्पर, और मेरे यहाँ तो देखो मिलती भी नहीं है। कई बार तो बहुत मजबूरी हो गई थी कि मतलब जब डॉक्टर ने बिल्कुल ही बेड रेस्ट बोल दिया और करना भी नहीं कराई नहीं जा रहा था कुछ भी, तो जब मन करता है कि चलो थोड़ी बहुत करने के लिए लगा लेती हूँ, लेकिन एक तो यहाँ मिलता नहीं है कोई,
ऊपर से ये है कि मुझे मतलब पसंद भी नहीं है, क्योंकि देखो अपने जैसा काम कोई नहीं कर सकता। जैसे हम खुद कर लेते हैं अपने घर की एक एक कोने की सफाई, दूसरा बंदा थोड़ी ना कर पाएगा ऐसी साफ सफाई। तो मुझे थोड़ा सा घुस घुस के सफाई करने की हैबिट है। जब तक सफाई ना हो, अपनी शरीर की भी सफाई चाहिए, अपने घर की भी सफाई चाहिए, अपने बच्चे भी बहुत साफ चाहिए। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, और जब तक मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने अपने बच्चों को धूल भी नहीं लगने दिया, इतने सफाई से मैंने अपने बच्चों को रखा है। और आज भी बच्चे साफ रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अब तो बड़े हो गए खुद कर लेते हैं अपनी केयर, लेकिन जब छोटे थे तो मैंने अपने बच्चों की बहुत केयर की है। तो ऐसे ही मैं अपने घर के सामान की, जब अगर किसी चीज़ की केयर नहीं करेंगे फिर वो जल्दी से फिर वो ख़राब हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई हमारा तो ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। मैंने कहा मेरा तो ख़राब नहीं हुआ बिल्कुल, मेरा तो इतने टाइम तक मतलब चला होता है मेरा सामान। जो मतलब कई बार मेरे घर पे जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले आए हैं ठीक करने के लिए, मशीन वगैरह मेरी ख़राब हुई, तो पूछते हैं कि आपकी मशीन अभी नई ली है? मैंने कहा नई नहीं है भैया, मैंने कहा इसको तो मैंने कहा 15 साल हो गए, तो अगर आपकी मशीन की कंडीशन तो बहुत अच्छी है। तो सामान की अगर हम केयर करते रहेंगे ना टाइम टू टाइम, तो वो ख़राब नहीं होता जल्दी से। और केयर करनी बहुत ज़रूरी है, केयर नहीं करेंगे तो वो जल्दी कोई भी चीज़ हो जाए, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो बिगड़ेगी तो है ही। तो देखिए फिर मैंने आपसे बात करते करते अपने जितने भी घर के ये मैट्स वगैरह हैं सब मैं बाहर ले गई हूँ, सबसे बाहर ले जाके इनको मैं रोज़ का ही काम है कि मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ ही जाती है, उनको झाड़ के ले आई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना अभी झाड़ू निकाल देती हूँ। तो मैंने अपना सर जो है अभी मतलब एक दो दिन पहले ही वॉश किया था, हाँ मैंने नवमी वाले दिन वॉश किया था। तो मैंने सर पे ना दुपट्टा ले लिया, क्योंकि मुझे हैबिट है मैं ऐसे नहीं करती हूँ काम, जैसे धूल मिट्टी का ज़्यादा काम होता है मैं सर पे दुपट्टा वगैरह कवर करके ही करती हूँ, क्योंकि बाल वगैरह फिर सारे ऐसे गंदे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर पे दुपट्टा ले लिया है। पहले अंदर वाले कमरे में अच्छे तरीके से झाड़ू निकाल लेती हूँ, यहाँ पे पोछा वानी से लगाऊंगी, वानी लगा देगी पोछा, तो पहले झाड़ू ही निकाल लेती हूँ मैं। और इसके बाद फिर उधर बाहर वाला किचन वाला पोर्शन है, यहाँ से भी सब जगह झाड़ू वगैरह सब, ऊपर का मैंने काम कर दिया था, ऊपर का काम मेरा हो चुका था, बस तो मैं अभी इस काम पे लगी हूँ। और इसके बाद फिर देखो बर्तन करूँगी, क्योंकि फिर पानी वानी गिर जाता है तो बर्तन बाद में करूँगी। किचन वैसे साफ होता है, मतलब किचन काउंटर रोज़ साफ होता है, मतलब दो दो बार भी होता है, तीन तीन बार भी होता है। बाकी जो अंदर के जो कैबिनेट वगैरह हैं वो तो साफ मिलते हैं, क्योंकि जब भी सामान आता है तभी भी साफ़ करती हूँ। और उसके बाद जो भी डब्बा मतलब खाली होता जाता है वो हैंड टू हैंड साफ़ करके ही रखते हैं, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं जाती है। तो देखिए यहाँ पे ना सब जगह से ये इधर मैंने सब कूड़ा निकाल लिया है, और सारा कूड़ा निकालने के बाद मैं इसको अलग करके वहाँ पे फेंक दूँगी। और ये वाला सबसे बाहर का पोर्शन है, यहाँ पे आ गई हूँ, अब यहाँ पे भी सारा निकाल लेती हूँ। और ये जो मेरे मैट्स हैं ये मैं सब यहाँ पे ना डोर मैट्स जो हैं ये इनको यहाँ पे अच्छी तरीके से पहले यहाँ पे झाड़ लेती हूँ सब जगह, सब मिट्टी निकाल के, क्योंकि ये मशीन लगेगी कल, तो जो धुलने वाले होंगे ज़्यादा गंदे होंगे उनको मैं मशीन में वॉश कर दूँगी ऊपर ले जाकर। तो कुछ इसी तरीके से मेरा साफ़ सफाई का चला हुआ है। और आज मेरा जो ये ब्लॉग जाएगा क्लीनिंग ब्लॉग जाएगा, और आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को देख लिया करें, फुल वॉच कर लिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये बाहर वाला जो है यहाँ मेरा कूलर लगा है, तो ये इसको ये बहुत सफाई मांगता है यहाँ पे, तो मैं रोज़ झाड़ू लगाते टाइम झाड़ू से ऐसे क्लीन कर देती हूँ, बाहर की तरफ से भी कर देती हूँ जब बाहर की तरफ झाड़ू निकालती हूँ। और ये देखिए मैंने आज एक प्लाजो स्टिच किया था अपना काम से फ्री होकर, ब्लैक कलर का ये वाला बहुत सुंदर सिला मेरा ये प्लाजो। और तो जी दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं अभी, और मैं कुछ देर के लिए सो गई थी, मैं अभी उठी हूँ। तो अभी आदि आएगा, क्योंकि आदि का आज फर्स्ट डे है स्कूल का, तो कुछ टाइम अभी आने के बाद आदि से मुझे मतलब आदि को ही देना पड़ेगा। आदि आते के साथ ही अपनी बहुत सारी बात फिर बताता है। और इस ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ। ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।